इमाम अली मकाम ने सजदे में सर कटवाया। हम आशिकान हुसैन, मैं नमाज की बात नहीं करूं, बाकी जान कुर्बान है, हमारी मोहब्बतें इस तरह की। ये हजरात जो थे ये हमें दर्स देकर गए कि जब भी दीन पर कड़ा वक्त आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब बच्चों को देखना है, कुर्बान हो जाना है। करबला वालों के नक्शे कदम पर चल कर हकीकत में इनकी यादें मनानी, ये यादें मनानी। ढोल बजा के कोई मनाता है, उछल कूद करके लाठियां घुमा के मनाता है, और लगा पड़ा तमाशा बना रखा है। किसी का बाप फोत हो जाए, इनका बाप फोत हो जाए, और बरसी हो वालिद साहब की, भले 50वीं बरसी हो, और कोई आके ढोल पहन कर आए, मैं तुम्हारे बाप की बरसी के लिए आ रहा हूँ, तुम्हारे बाप की मोहब्बत में झूमता हुआ आ रहा हूँ, लाठियाँ घुमाता हुआ, आपका क्या ख्याल है, आप पर क्या गुजरेगी। इमाम अली मकाम की मोहब्बत का ये इजहार इमाम अली मकाम को क्या खुशी देगा, या इनके नाना जान खुश होकर गले लगा लेंगे आपको, क्या बड़ा बहुत उमदा ढोल बजाते थे तुम्हारा तो, ओहो हो तुम्हारा तो क्लास नहीं है ढोल बजाने में, माज़ल्ला, ठीक है ना। तो यार कोई अक्ल भी तो हो ना यार, तो अक्ल से पैदल हो गई ये कौम आशूरे के दिन, मतलब आप रोड पे जा नहीं सकते, ना नाच रहे होते, फुदक रहे होते, ढोल बजा बजा कर चल रहे होते, क्या कहें यार। तो जाके समझाए कौन कि खुदा के बंदो ये तुम्हें हो क्या गया। शहीदों की याद इस तरह मानी जाती है, उन दिनों खास करके नमाज नहीं पढ़नी है, शहीदों की याद मनाई जा रही है, ढोल बजाने। अच्छा फिर देखने वाले जो है ना, देखने वाले मैं सही बोलता हूँ, ये ढोल बजाने वाले को ना अकेला कर दें, लाठियाँ घुमाने वाले को अकेला कर दें, एक भी देखने ना जाए, कभी भी लाठी नहीं घुमाएंगे, ये कभी भी ढोल नहीं बजाएंगे। अब निगाह तहसीन लोग देख रहे हैं, ये कनकियों से देख रहे हैं, फिर घरों से बालकोनियों से अगर औरतें देख रही हैं, फिर जो उनको तान और सुर चढ़ता होगा ना, एक दूसरे को पार देते होंगे, अफसोस हमारे नसीब में ये कहाँ से मतलब दाखिल होगी ये चीज़ें, ये नहीं है शहीदों की। हाँ शहीदों का जिक्र खैर किया जाए, इनके फजाइल बयान किए जाएं अहले बैत के, और इससे अपना भी ईमान तादा करें, दूसरों का भी ईमान तादा करें, इनके लिए ईसाल सवाब करें, बेशक खिचड़े से करें, शरबत से करें, पानी की सबील के ज़रिए करें, ये जायज़ सूरतें हैं, लेकिन पानी की सबील ऐसी जगह लगाएं जहाँ लोग मतलब अच्छे लोग पिएं। अब यही ढोल बजाने वाले और लाठियाँ चलाने वाले और इनके तमाशाई जो जमा होते हैं उनमें रोड पे आप जाकर बैठ गए, अब ईमानदारी से बताएं कि आप पानी पिलाने के लिए बैठे हैं या तमाशा देखने के लिए बैठे हैं, या अपने ज़मीर से पूछें। अरे उठाएं अपनी सबील, किसी मस्जिद के बाहर लगा दें, नमाजी आते जाते पिए तो यार कुछ इबादत करने वालों को मिले ना आपका पानी, या आपका खिचड़ा, या आपका शरबत, वहाँ क्या मतलब बांटने बैठे हैं, वो तमाशे देखने बैठे हैं, बांटने बैठे हैं, एक मन दो काज लेके बैठे, तो बड़े आशिक हैं। तो इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन, शैदा है, बड़े शैदा है, नमाज एक नहीं पढ़ते, लेकिन है बहुत बड़ी मोहब्बत का, तो बस हमसे बढ़कर कोई मोहब्बत कर नहीं सकता इनसे। नमाजें हो रही हैं, अजानें हो रही हैं, हमारे ढोल है रुक नहीं पाते, इतनी मोहब्बत है, लाठी है कि काबू में नहीं आती, चली जा रही है, और देखने वाले हैं कि बिल्कुल मस्त हैं, तो नमाजों का होश ही नहीं है। हम ऐसी मुहर्रम नहीं मनाते, हम तो मस्जिद में रहते हैं, तो इसी तरह मुहर्रम मनाना है जिस तरह अल्लाह और रसूल खुश हो हमसे, और ये नहीं कि मतलब शैतान खुश हो हमसे, इस तरह नहीं मनानी है। जो करते हैं से सच्ची तौबा करें और मस्जिदों में आ जाएं, अल्लाह के हुजूर झुक जाएं। जिस इमाम अली मकाम का हम मतलब मोहब्बत का दम भरते हैं, उन्होंने सजदे में सर कटाया, चलो हमको कौन तलवार मारता है, हमारे नसीबे से कहाँ है, कम अज़ कम सजदे में सर तो अल्लाह की रिजा में रख लें, नमाज तो पढ़ें पाँचों टाइम, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात।